टॉर्क एंड इट्स एप्लीकेशन। टॉर्क हमने कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने कर लिया, और हमने शुरू में जब पहला लेक्चर किया था टॉर्क की डेफिनेशन की थी या फॉर्मूला किया था आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन फाई, जिसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के साथ भी हमने इसको एसोसिएट किया था। वैसे टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है, ये हमें पता है। अब इमेजिन करो कि अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि असली रोटेशनल तो आज स्टार्ट है, आपको कि फिर ये 10 दिन से क्या कर रहे थे अगर असली अब स्टार्ट है। आप इमेजिन करो कि आप किस स्टेज पे हो। सोचो मैं आपको फिर से एक बार फोर्स का चैप्टर करवाता हूँ, न्यूटन का सेकेंड लॉ से स्टार्ट था असली चैप्टर। फर्स्ट लॉ तो डेफिनेशन ही थी, सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यही था। तो सोचो मैं ये बोलता हूँ कि चलो एक 1 kg का मास है, ये पहला लेक्चर है आपका, इसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, किसी ने फोर्स लगाई 2 न्यूटन, और इसमें एक्सेलरेशन निकालनी है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होती है? बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करके मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, बात खत्म हो जाती है। रोटेशनल मोशन में जो काम फोर्स करता है वो काम रोटेशनल में कौन करेगा? टॉर्क करेगा। तो इसलिए हमने लॉज ऑफ मोशन में 1 मिनट में कहा कि फोर्स 4 न्यूटन है, आपने कहा हाँ जी फोर्स क्या, न्यूमेरिकल करते हैं। रोटेशनल मोशन इसे स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैंने आपको क्या नहीं सिखाया था अभी, टॉर्क। तो पहले मुझे क्या सिखाना पड़ा? टॉर्क। तो फोर्स का काम टॉर्क कर रहा है, तो पहले टॉर्क सीखना पड़ा, उसमें काफी टाइम लग गया। फिर लॉज ऑफ मोशन के अंदर मैं बोलता हूं मास 1 kg, वो तो आप सीख ही आए हो बचपन से 1 kg मास क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि रोटेशनल के चैप्टर में जो काम मास करता है, इनर्शिया करता है लॉज ऑफ मोशन में, वो इस चैप्टर में कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कितना मुश्किल हो गया, कहाँ 2 kg मास लो काम शुरू करो, और कहाँ अभी आप पहले आई सीखो। 1 हफ्ता लगा के पहले आई सिखाया, अब तुम्हें आई पता लग गया, तुम्हें टॉर्क पता लग गया, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ जो नेट फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताता है, इस चैप्टर में न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा? नेट फोर्स की जगह नेट टॉर्क। जो काम नेट फोर्स करेगा वो काम नेट टॉर्क करेगा, मास की जगह वो काम आई करेगा, और ए की जगह वो काम अल्फा करेगा। टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला नेट टॉर्क इज आई इनटू अल्फा। ये बिल्कुल वही काम कर रहा है जो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन किया करता था। पहला स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक, तो एक नया फॉर्मूला नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। तो फॉर्मूला रजिस्टर में एक तो ये एंटर करो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई, और साथ में एंटर करो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह नेट टॉर्क इज आई इनटू अल्फा, ये एंटर कर लो।